हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एचपी वर्मा चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन एन एलपी रिकॉर्ड डिस्क रोटेटिंग ऑन अ टर्न टेबल एट 33 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट। द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर सो दैट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड and the mosquito is greater than pi square by 81. Take g equal to 10 meter per second square. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ क्या है कि एक मॉस्क्यूटो एक रिकॉर्ड डिस्क पर बैठा हुआ है, ठीक है, और उसमें जो वो रोटेट कर रहा है आपका 33 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट पर, ठीक है, और इस रेडियस जो दी हुई है टर्न टेबल की वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो प्रूव करना है कि pi square by 81 होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो अगर रिवोल्यूशन पर सेकेंड हम कन्वर्ट कर लें, रिवोल्यूशन पर सेकेंड कितना हो जाएगा, इसे n से हम डिनोट करते हैं, n इक्वल टू 33 1/3, ठीक है, ये पर मिनट है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो पर सेकेंड आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 100/3 × 1/60, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 5 and 2 3, तो 5/9 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। अब रेडियस दी हुई है, रेडियस टर्न टेबल की जो है रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 0.1 मीटर। तो एंगुलर स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू, देखिए एक रिवोल्यूशन में पार्टिकल कितना मूव करेगा, 2 pi radian per second, ठीक है, उसकी एंगुलर स्पीड 2 pi radian per second होगी, तो हमारा n रिवोल्यूशन है तो 2 pi × n, ठीक है, ये हो जाएगी एंगुलर स्पीड, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितनी हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, ठीक है, यही हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखिए क्या क्या फोर्स हमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है, तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिएगा, चलिए इसे हम एज अ ब्लॉक ही शो कर रहे हैं, तो ये अगर आपका टर्न टेबल पर बैठा हुआ मॉस्किटो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, एन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है एम जी वेट ऑफ द मॉस्किटो, ठीक है, और ये जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ये सेंटर हमारा दिया है, तो इस डायरेक्शन में आपका टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर, बट ये कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हो रहा है, ठीक है, जो कि डिस्क और इसके बीच में एक्ट करेगा, ठीक है, रिकॉर्ड डिस्क और मॉस्किटो के बीच में, तो इस डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स लगेगा आपका, ठीक है, Fs, ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स Fs टुवर्ड्स द सेंटर। चलिए तो फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहा है हमारा, और हमें फाइंड करनी है म्यू की वैल्यू, तो पहले म्यू वैल्यू कर लेते हैं, लेट फ्रिक्शन म्यू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या फोर्सेस हैं वो भी लिस्ट कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम देखकर, फोर्सेस ऑन पार्टिकल आर, ठीक है, फर्स्ट फोर्स आपका हो गया वेट एम जी डाउनवर्ड्स, वेट एम जी डाउनवर्ड्स, सेकेंड फोर्स आपका नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स इसे हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए और क्या फ्रिक्शन फोर्स, चलिए ये एफ एस से हम डिनोट कर लेते हैं,
थर्ड फोर्स आपका हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एफ एस टुवार्ड्स द सेंटर। इसी के कारण आपका एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है पार्टिकल को टुवार्ड्स द सेंटर सेंटर, ठीक है। अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोर्सेस बैलेंस कर हो जाएंगे सारे वर्टिकल डायरेक्शन वाले, देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयरफॉर दो ही फोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, एन इक्वल टू एम जी। ये हमारा हो गया इक्वेशन वन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है एक्सेलरेशन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ हमारा एक ही फोर्स है, देयरफॉर एफ एस इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। चलिए दो, अब हम जानते हैं कि लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम। सो इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू जो होगी फ्रिक्शन की, तो एफ एस विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू एफ एस की और एन की फ्रॉम वन एंड टू, इंप्लाइज दैट एफ एस हमारा है एम ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू और एन है हमारा एम जी। ये हमने कहां से आया, फ्रॉम यूजिंग फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, एंड टू। चलिए इसे ऊपर मूव कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए दोनों साइड अगर देखेंगे तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, चलिए एम कैंसिल आउट हो गया, और हमें फाइंड करनी है म्यू। तो क्या आ गया, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ओमेगा हमारा है 2 पाई एन होल स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, इंप्लाइज दैट म्यू इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2 इंटू पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू एन हमारा आया था 5 बाय 9, ठीक है। तो ये हो गया 5 बाय 9 होल स्क्वायर, ठीक है, 5 बाय 9 होल स्क्वायर इंटू आर, रेडियस जो है 0.1 है, बाय जी 10 ले लेते हैं। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 81, ठीक है। देयरफॉर म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 81, ठीक है। हेंस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कोएफिशिएंट शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 81। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।